शिवपुरी में जिले में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसने नवजात बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का कहना है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे टीके के लिए इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल घटना शिवपुरी जिले के करेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। यहां ग्राम बम्हारी तानपुर की छाया लोधी को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसने रात को नवजात बच्चे को जन्म दिया। सुबह जब नवजात को डॉक्टरों ने टीका लगाया तो उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ ही समय के बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। अच्छा अच्छा, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? मैंने फोन तीन चार जगह फोन भी लगाया, समझ गए उनको भगा दी। वो नर्स जो ने पैसा लिया था उनको भगा दी। कितना पैसा लिया था? 5,000 रुपए लिया था। और कुछ मांग की गई? नहीं, 500 रुपए चाहिए मैडम, और मांग रही है, अभी भी मांग रही थी सुबह। अच्छा अच्छा, इसके बावजूद भी आपके बच्चे को नहीं बचाया गया? नहीं। क्या क्या किया गया उनके बच्चे के साथ? बच्चे के साथ इंजेक्शन देने से मौत हो गई साहब, तो जी है। अब काय का इंजेक्शन लगाया हमको, तो जी 5 मिनट भी लड़का नहीं जीगो। हां बस इंजेक्शन देने पर 5 मिनट भी लड़का नहीं। आपका नाम क्या है? छाया। किस गांव से आई? बम्हारी। क्या हुआ, क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि सुबह बच्चा सही था, 10 बजे सही था बच्चा। हाँ। फिर टीकाकरण हुआ, उस पे वो बोली कि कमजोर बच्चा, तो हम कहीं एक इंजेक्शन लगा दे रही सो वो कहेंगे। फिर हमने भी मैडम से कहा कि कमजोर बच्चा बता रही, सुबह बोली कि हाओ तो कल लगा दें, सो हमने कही के हाओ। फिर भी चेक करी, मतलब हमने देखाओ, सुबह ने मशीन में रख दिया, मशीन में रखे उनने सुई लगाई, दवाई पिलाई और बाहर लाए, इतने में बच्चा खत्म हो गया। आपसे पैसे की मांग की गई थी जो कुछ? अभी नहीं। नहीं, डिलीवरी के समय? हाँ। कितने रुपए मांगे गए? पहले दिए थे 5-6 सौ ले लिए। हाँ, 5-6 सौ रुपये उनने लिए और मांग रही थी सुधा नहीं हमने। अच्छा अच्छा, 5,000 रुपये से वैसे ही गाना ही कह रहे बताए नहीं जगह और मांग रही थी हमने दाए नहीं है। और कुछ कहा उन्होंने नर्स ड्यूटी पर थी, उन्होंने कुछ और कहा आपसे? दर्द हो रहा था, फिर मैडम ने चेक किया तो बोली 2 बजे होगा, तो फिर दर्द हुआ तो हम भीतर ले गए। फिर बोल नहीं आपसे, आपने किसने कहा के अंदर लाओ, बाहर ले जाओ। फिर हमने बोला मैडम एक बार चेक कर लीजिए, फिर उनने चेक किया तो कह रही बच्चा होने को आ गया, फिर उनने बच्चा हो गया। फिर बच्चा होने के बाद हमने पैसे दिए उन्हें। कितने कितने? 500-500 रुपये। कितने जनों को दिए? तीन थे। तीन लोगों को दिए? अच्छा, और कौन मांग रहा था पैसे? और भी कचरे वाली मांग रही थी। अच्छा, जो कचरे साफ करती है? अगर पहचान करवाए तो बता सकती हूँ ना? पहचान तो लोगे ना? और किसी और किसी ने लिया पैसा? और क्या हुआ बच्चे के साथ? फिर बच्चा ने लेटरिंग की, हम इधर इधर लाए, रात भर रोया बच्चा, लेटरिंग की, दूध पिलाया हमने, फिर बच्चा सवेरा तक सही था। फिर वो बोली कि टीकाकरण होना, कितने तो उधर ले गए, 10:30 बजे गए टीकाकरण करने वाले। सुबह ने टीकाकरण को मतलब एक इंजेक्शन लगाओ, फिर भी बोल रही थी कि कमजोर बच्चा है, एक और हम कल लगा, बिल से पूछिया फिर हम लगा है, सो हमने पूछा तो बोली कल ही हम कल लगा देंगे जब तक छुट्टी होगी, तो हमने कह दिया। फिर वो चेक करने दीदी ने कहा कि हमारा बच्चा ठीक नहीं, तो मशीन में ले गई, मशीन में रख दिया उनने। फिर उनने इंजेक्शन लगाया, दवाई पिलाई, दवाई पिलाने से फिर बोली थोड़ी बात देर रख दिया, फिर वो बोली कि बाहर ले जाइए आप, बाहर ले जाइए, सी भी ले जाइए आप, बच्चा ठीक नहीं आपका। वो फिर बस अंदर से बाहर आई थी। वहीं बच्चे की मौत के मामले में अब तक अस्पताल प्रबंधन की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं नवजात की मौत पर मां का रो रो कर बुरा हाल है। शिवपुरी से जकी खान की रिपोर्ट।